दोस्तों, आज एक छोटा सा टीवी का फॉल्ट रिपेयर करके आप लोग का साथ शेयर करूँगा। ये लोकल टीवी है अकाई, और इसमें फॉल्ट है। पावर लगाने से ये टीवी ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है, उसका ही फॉल्ट है। और मैं ये प्लग को लगा रहा हूँ तो देखिए, इधर में ये ग्लो नहीं कर रहा है। इधर में एक रेड एलईडी छोटा सा लाइट लगा हुआ है, ये रेड कलर से ग्लो होना चाहिए लेकिन ये ग्लो नहीं कर रहा है। तो टीवी का यही फॉल्ट है, पिक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ब्लैक स्क्रीन है और रेड एलईडी लाइट ग्लो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, इस फॉल्ट का बारे में आप लोग को मैं जानकारी दूंगा, तो आप लोग मेरा वीडियो का एंड तक मेरा साथ जुड़े रहना, ताकि इस फॉल्ट का बारे में आप लोग को अच्छा से जानकारी हो। और चैनल में नया आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड दे रहा हूँ, छोटा छोटा वीडियो अभी अपलोड दे रहा हूँ, अभी बड़ा वीडियो भी अपलोड दूँगा दोस्तों। और आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो ट्रेनिंग दे के जो सीखने को नहीं मिला वो मैं यूट्यूब के द्वारा आप लोग को मैं जानकारी दूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ये अभी फ़िलहाल तो जल नहीं रहा है, तो पहले मदरबोर्ड में चेक करेंगे, ठीक है। और ये इसका पैनल है, दो सोस्कोप लगा हुआ है, और ये 5 पेयर का LBDS है, और ये मदरबोर्ड, इसका नंबर है R83671, ये मदरबोर्ड का नंबर है। तो पहले पावर दे के उसको चेक करेंगे, ये मदरबोर्ड में क्या क्या वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है, वो पहले देखना होगा। इसमें वोल्टेज को पहले चेक करेंगे, 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं, ठीक है, पहले 12 वोल्ट को देख लेना चाहिए। ये मीटर में ध्यान दीजिए आप लोग, ये 12 वोल्ट पहले देखना चाहिए, 12 वोल्ट, ये 11.8 वोल्ट, 9 वोल्ट, ये ठीक है, ओके है दोस्तों। अभी इधर में 5 वोल्ट का रेगुलेटर है, इधर में देखना चाहिए 5 वोल्ट है कि नहीं। तो इधर में देखिए 5 वोल्ट नहीं मिल रहा है, ये देखिए 5 वोल्ट नहीं मिल रहा है। ये जगह पर एक रेगुलेटर ICP लगा हुआ है, ये कोयल है 5 वोल्ट का, ठीक है, और यहाँ पर एक कोयल भी है। तो ये 5 वोल्ट का कोयल को मैं थोड़ा जूम करके देख बताता हूँ, ये देखिए ये कोयल है, इधर में ये कोयल है, और ये रेगुलेटर IC लगा हुआ है ये। तो ये रेगुलेटर IC का एक कोयल में वोल्टेज आना चाहिए 12 वोल्ट, ये वोल्टेज 10.8 वोल्ट, ये वोल्टेज आ रहा है, ओके है वोल्टेज, लेकिन उसका आउटपुट वोल्टेज, ये देखिए आउटपुट वोल्टेज नहीं है, ठीक है। तो देखिए इधर में वोल्टेज 5 वोल्ट जो नहीं आ रहा है, ठीक है, 5 वोल्ट नहीं आ रहा है, तो ये जो रेगुलेटर IC है ये शायद ख़राब होगा। लेकिन आप लोग को मैं बोलता हूँ, ये रेगुलेटर IC निकाल कर आप बक कन्वर्टर लगा कर TV को ऑन कर सकते हो, या ये मेन IC रेगुलेटर IC को लगा कर भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये IC नया लगाने का पहले ये चेक करना होगा उसमें शॉर्टिंग है कि नहीं, क्योंकि ये 5 वोल्ट का साथ कोई ग्राउंड का साथ शॉर्ट तो नहीं है, ये देखना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये IC ओके रहता है रेगुलेटर IC, और इधर में दूसरा जगह में शॉर्ट हो जाता है, उसका बाद ये 5 वोल्ट आउट नहीं होता है, ये भी देख लेना चाहिए, ठीक है। तो मैं IC को रिमूव कर रहा हूँ, ये उसको निकाल देते हैं। अभी क्या करेंगे, ये 5 वोल्ट एक्स्ट्रा लगाऊंगा, एक्स्ट्रा लगा कर चेक करना होगा ये जो माइक्रोप्रोसेसर IC है ये अच्छा है कि नहीं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये माइक्रोप्रोसेसर IC ख़राब होने का बाद में ये 5 वोल्ट आउट हो जाता है, मतलब उड़ जाता है, ठीक है। तो ये
चेक करना होगा अभी 5 वोल्ट एक्स्ट्रा लगा कर, ठीक है। तो क्या करेंगे, अभी एक मॉड्यूल लेंगे बक कन्वर्टर, वो लगा कर चेक करेंगे, ठीक है, 5 वोल्ट दे के ये प्रोसेसर आईसी ओके है कि नहीं है। तो देखिए इस टाइप का बक कन्वर्टर होगा तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये स्टेप डाउन सर्किट है, मैं ज़्यादा स्टेप डाउन सर्किट से ही काम करता हूँ, तो ये वाला लगाने से भी होगा और बक कन्वर्टर सर्किट लगाने से भी होगा, ये भी बक कन्वर्टर जिसे ही काम करता है, ठीक है। तो इसको पहले कनेक्शन करते हैं, ठीक है। मैं इस वीडियो में ये 5 वोल्ट का जितना कनेक्शन है, मतलब इसको कैसे देना है, क्या करना है, उसे सब डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। आप लोग ये जगह पर वीडियो काटसित मत करना, अच्छा से देख के जाना, ठीक है। तो कभी भी ये लगाने का टाइम में प्रॉब्लम नहीं आएगा, और कोई जगह पर वोल्टेज मिसिंग होगा तो कैसे देना है वो स्टेप डाउन सर्किट से भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं सारे ये सब कुछ बताऊंगा डिटेल्स में, आप लोग देखते जाना, वीडियो को काट मत करना, ठीक है। फिलहाल तो मैं इसको कनेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। 3 तार लगाया, ठीक है। ये हो गया ब्लैक वाला हो गया ये माइनस, व्हाइट कलर का जो वायर है ये हो गया प्लस, और ये जो ब्लू कलर का है ये हो गया प्लस, ठीक है। ये आउटपुट प्लस वोल्टेज और ये इनपुट का लाइन है, ये ग्राउंड है और एक पॉजिटिव सप्लाई है, ठीक है। वोल्टेज देखना है 12 वोल्ट कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। वो 12 वोल्ट का जगह में ये इनपुट वोल्टेज लगाना पड़ेगा पहले, ठीक है। ये ग्राउंड से कनेक्ट करता हूँ और मीटर में देखिए 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं, ये जगह पर देखते हैं 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट आ रहा है इधर में, ठीक है। तो ये जगह पर 12 वोल्ट देंगे, ठीक है। और उसमें देखिए ये कार्ड में, हर कार्ड में 5 वोल्ट 3 वोल्ट और 12 वोल्ट मार्क करके दिया रहता है, उसमें आप जो भी वोल्टेज मिसिंग होगा लगा सकते हैं अपना से, ठीक है। तो ये लगाने का टाइम में ये LVDS को भी निकाल देना है, ठीक है। LVDS लगाकर वोल्टेज को भी नहीं बनाना है, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो अब ये 12 वोल्ट को पहले लगाते हैं हम लोग। 12 वोल्ट का ये ग्राउंड सप्लाई है, इनपुट का ग्राउंड सप्लाई इधर से दे देंगे, ये ग्राउंड सप्लाई दे दिया इधर से, ठीक है। और एक पॉजिटिव सप्लाई भी इधर से दे देते हैं, देखिए पॉजिटिव सप्लाई दे दिया, ठीक है। लेकिन अभी इसको कनेक्शन नहीं देना है, अभी उसका वोल्टेज चेक करना है पहले कितना आ रहा है वोल्टेज, ठीक है। ये देखिए ये जल गया, अभी उसको कनेक्शन नहीं दिया क्योंकि उधर में वोल्टेज चेक करना है अभी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव सप्लाई ये मीटर का पोर्ट से मैं इसको चेक किया तो देखिए ये कितना बता रहा है, देखिए मीटर में देखिए ये 41, 42, 4.1 इसे बता रहा है, तो ये 5 वोल्ट पूरा नहीं हुआ, ठीक है। तो इधर में एडजस्टमेंट दिया हुआ है, उसको घुमाएंगे तो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एडजस्ट करना होगा, ये 4.3, 4.8 ये अभी वोल्टेज ये 5 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो 5 वोल्ट से थोड़ा कमती रखेगा, 2-3 पॉइंट कम रखेंगे, ये 4.9, 4.8 ये 4.7 तक रखेंगे, ठीक है। 4.7, 4.8 तक मेजरमेंट करना है। तो अभी हम लोग लगा सकते हैं ये पॉइंट को, ठीक है। मैं लगा कर आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। मैं देखिए ये जो 5 वोल्ट है ना, ये 5 वोल्ट कोई भी 5 वोल्ट का टेस्ट पॉइंट में लगाने से भी ये चलेगा, ठीक है। अगर ये स्क्वायर में लगाना चाहता है तो ये भी लगाने से चलेगा, ठीक है। तो जहाँ पर लगाने से मतलब बिजी होता है उधर में ही लगाइए। तो इधर में देखिए ये जंपर कर सकते हैं, यहाँ में 3.3 वोल्ट 12 वोल्ट का जंपर है इधर में, तो 5 वोल्ट का जंपर में 5 वोल्ट को जोड़ देता हूँ, ठीक है। ये 5 वोल्ट जोड़ दिया और ये अभी कंप्लीट कनेक्शन हो गया, ठीक है। ये कनेक्शन हो गया, अभी देखिए ये जैक को लगा देना है,
ये जैक लग गया। और एलबीडीएस को अभी भी मत लगाओ, ठीक है, इसे टाइम में एलबीडीएस को भी अभी मत लगाओ। अभी पहले देखो ये स्टैंड बाई होता है कि नहीं, बैकलाइट जलता है कि नहीं, और ये आईसी कुछ प्रॉब्लम करता है कि नहीं, ये अच्छा से देख लो। अभी मैं टीवी को ऑन कर रहा हूँ, ऑन करके पहले देखना होगा, ठीक है। ये टीवी ऑन हो गया, देखिए इधर में ये जल रहा है, ठीक है, ये देखिए। अभी स्टैंड बाई ऑन करते हैं, कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। ये स्टैंड बाई ऑन किया, ये ऑन हो गया, ये देखिए बैकलाइट भी जल गया, ठीक है, ये बैकलाइट जल गया, ये देखिए। अभी मतलब ये बोर्ड पूरा अच्छा से ये काम कर रहा है, ये प्रोसेसर अच्छा से काम कर रहा है। आप लोग याद रखना, अच्छा से जब इस फंक्शन सब कुछ करेगा तब सोच लेना प्रोसेसर अभी अच्छा से काम कर रहा है। लेकिन 100 में 80% अच्छा है, अभी 20% जो अभी भी अच्छा नहीं है, क्योंकि LBDS लगाया नहीं है अभी तक, ठीक है। LBDS लगाने के बाद में ये सिग्नल इधर में पैनल में जाएगा नहीं जाएगा वो भी देखना है, ठीक है। तो अभी लगा कर चेक करता हूँ, ठीक है। ये LBDS लगा दिया। LBDS लगाने का टाइम है, बहुत सावधानी के साथ लगाना, को उल्टा पलटा कनेक्शन हो जाएगा तो ये माइक्रो प्रोसेसर तो गया गया। ऊपर से ये बोर्ड में जो टिकॉन प्रोसेसर है, टिकॉन प्रोसेसर भी चला जाएगा। ये 100% मैं गारंटी देता हूँ, ये LBDS कनेक्शन जब भी उल्टा पलटा लगेगा, ये कनेक्शन, ये LBDS का जो टिकॉन का जो माइक्रो प्रोसेसर आईसी है, ये टिकॉन आईसी फट से उड़ जाएगा, ठीक है। और ये प्रोसेसर आईसी में भी फॉल्ट पकड़ लेगा, ये बात हमेशा याद रखना। कभी भी ये रॉन्ग मत लगाना, देख के अच्छा से देख दुख के लगाना, पूरा उड़ी में नहीं। अभी टीवी को मैं चला कर देखता हूँ, अभी LBDS लगा दिया, ठीक है। ये टीवी मैंने ऑन कर दिया और स्टैंड बाई रिलीज करते हैं। ये स्टैंड बाई रिलीज हो गया और टीवी देखते हैं अभी डिस्प्ले में क्या बन रहा है, ठीक है। घर में बच्चा लोग बहुत है, बहुत हल्ला करता है दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत तकलीफ होता है। ये देखिए अभी बहुत अच्छा से टीवी चल रहा है, नो सिग्नल का इमेज आया है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग को बनाना है, और कुछ भी प्रॉब्लम होगा कमेंट देना, कुछ जानकारी चाहिए कमेंट देना। आप लोग का कमेंट का देख के आप लोग जैसे कमेंट करेंगे ऐसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा, अभी रेगुलर वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा, ठीक है।